स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पोर्शन था वो अपनी कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर वीडियो तक, और इस वीडियो में, इस सेशन में, आज के लेक्चर में अपने जानेंगे किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को, कि लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है, कैसे काम करती है लार्ज इंटेस्टाइन। नमस्कार, मैं संजय कोड़ीवाल और ये है कीरो क्लासेस। पहली बात तो ये कि लार्ज इंटेस्टाइन किसी टाइप का कोई डाइजेशन नहीं करती है या उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सोखने के लिए बनी है। ये क्या चीजें सोखती है? ये पानी को एब्जॉर्ब करती है, विटामिन के को भी यहां पर एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद पोटेशियम आयन है और सोडियम आयन है, वो भी कुछ हद तक यहाँ पर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। पानी है उसकी क्वांटिटी यहाँ पर एब्जॉर्ब की जाती है, जिससे सॉलिड फॉर्म मिल सके किसको, अपने फीसिस को, जो वेस्ट है अपना, उसको सॉलिडिफाई करने के लिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। अब बात करते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में तीन मेजर पोर्शन होते हैं, एक होता है सीकम, उसके बाद आता है कोलन, और जो लास्ट पोर्शन है उसको अपने बोलते हैं रेक्टम। सीकम, कॉलन और उसके बाद रेक्टम आता है। सीकम कहां से स्टार्ट होता है? जहां से इलियम खत्म होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पोर्शन है, वो है इलियम। जहां इलियम खत्म होती है वहां पर सीकम स्टार्ट हो जाती है या लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। और यहीं पर अपने को जहां से इलियम खत्म हो रही है, सीकम स्टार्ट हो रही है, वहां पर स्फिंक्टर भी मिलता है और वॉल्व भी मिलता है। वॉल्व क्या होता है? वॉल्व यूनिट डायरेक्शनल फ्लो देता है किसी भी मटीरियल को। वॉल्व है वो एक चीज को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए बना होता है, लेकिन स्फिंक्टर में ऐसा नहीं होता। स्फिंक्टर में किसी टाइप की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो सिर्फ ये सुनिश्चित करते हैं कि कितनी अमाउंट में मटेरियल है वो आगे जाना चाहिए। तो यहां पर जो स्फिंक्टर या वॉल्व मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको कहते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर या फिर इलियोसिकल वॉल। अब एक स्ट्रक्चर और दिखाई देती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देता है, बिल्कुल कीड़े की तरह, वो होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो अपनी बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। सेलुलोज के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने घास फूस खाते नहीं है, तो ये नॉन फंक्शनल हो गया है। इसको रिमूव करवा लेते हैं जब इन्फेक्शन हो जाता है इसके अंदर, तो अपने अंदर ये नॉन फंक्शनल होता है। अब यहां से स्टार्ट हो गया सिक्कम वाला पोर्शन। सिक्कम वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही छोटा पोर्शन है, सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। यहां पर इसकी लेंथ है वो अप्रोक्सीमेट देखने को मिलती है 6 से 8 सेंटीमीटर तक की। उसके बाद यहां से स्टार्ट हो जाता है अपना कोलन वाला पोर्शन, और कोलन में भी तीन पार्ट मिलते हैं, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, और बीच वाला पोर्शन होता है अपना ट्रांसवर्स कोलन। और जो लास्ट पोर्शन है कोलन का, उसको बोलते हैं अपने, क्या बोलेंगे उसको? सिग्मोइड कोलन। जो कोलन की लेंथ की बात करें अपने, तो कोलन का पूरा पोर्शन है वो नियर अबाउट 140-150 सेंटीमीटर तक का लॉन्ग हो सकता है। और दूसरी बात, जिसके अंदर जो असेंडिंग कोलन है, असेंडिंग कोलन की जो लेंथ होती है वो नियर अबाउट होती है 20 सेंटीमीटर तक की। और जो ट्रांसवर्स कोलन है उसकी लेंथ होती है नियर अबाउट 50 सेंटीमीटर तक की। डिसेंडिंग कोलन की लेंथ होती है 21 सेंटीमीटर तक की। 21 सेंटीमीटर किसकी? डिसेंडिंग कोलन की। लास्ट वाला जो पोर्शन है कोलन का वो होता है सिग्मोइड कोलन, इसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर होती है प्लस रेक्टम को मिलाकर। कोलन कंप्लीट हो गया, चार पार्ट से मिलकर बना होता है, और लास्ट अपना जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का वो होता है रेक्टम। रेक्टम क्या है? रेक्टम का काम क्या है? रेक्टम स्टोरेज का काम करता है, जो अपना अनडाइजेस्टेड फूड है या कह सकते हैं अपना वेस्ट है उसको स्टोर रखने का काम करता है, फीसिस को स्टोर रखने का काम करता है, वो भी टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है। और उसके बाद जो फीसिस है वो एनस के थ्रू बाहर निकाला जाता है। अब एनस की बात करते तो एनस के अंदर अपने को देखने को मिलता है दो तरह के स्फिंक्टर होते हैं, अंदर की तरफ होता है इनवॉलेंट्री और बाहर की तरफ होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री वाला है बच्चों के अंदर मिलता नहीं है, और जो इनवॉलेंट्री होता है वो अंदर की तरफ होता है, जिस पर अपना बस नहीं चलता है, और वहीं से फिकस है अपने आप बाहर निकलता है। लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अपने आज कंप्लीट कर लिया एलिमेंट्री कैनाल को, किस तरह से डाइजेशन होता है, किस तरह से एब्जॉर्प्शन चलता है, वो अपने आज सीख लिया। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।